हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी सम्मा चावल का उपमा, ये ब्रॉथ स्पेशल है। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रॉथ के लिए सम्मा चावल का उपमा बना रहा हूँ। इसके लिए सम्मा चावल 100 ग्राम मैं पानी में भिगो के क्लीन करके रखा, एक बॉयल पोटैटो स्क्वायर शेप से कट के रखा, 2 चम्मच हरे धनिया बारीक चॉप करके रखा, 4 ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखा, 1 चम्मच जीरा, कड़ी पत्ता, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ये सिंगा नमक है ब्रात में खाते हैं, और 2 चम्मच स्पिनट बा सिंगदाना और 1 चम्मच ऑयल। कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गरम हो गया, जो स्पिनट लिया वो पहले फ्राई कर लेती हूँ। सिंगदाना का कलर चेंज हो गया, अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अभी एक प्लेट में निकल के रखती हूँ। सेम ऑयल में जीरा ऐड कर देती हूँ, जीरा और कड़ी पत्ता को 1 मिनट सॉल्टी कर लेती हूँ। जो ग्रीन चिली है वो भी ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अभी जो बॉयल पोटैटो कट के रखा था वो भी ऐड कर देती हूँ और 2 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। पोटैटो की भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अभी जो सम्मा चावल को भिगो के रखा था पहले से वो ऐड कर देती हूँ। वो भी 2 मिनट अच्छी तरह से पोटैटो के साथ फ्राई कर लेती हूँ। अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अभी पानी ऐड कर देती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ, और टेस्ट के अकॉर्डिंग सिंगा नमक जो ब्रॉथ में खाते हैं ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और लिड लगा के लो फ्लेम में 10 मिनट बॉईल कर लेती हूँ। पानी सूख गया, अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सम्मा चावल का उपमा बन के रेडी हो गया। अब जो हरे धनिया लिया वो भी थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। और प्लेटिंग कर लेती हूँ। और जो स्पिनट को मैं पहले ही फ्राई करके रखा वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मैं लास्ट में ऐड किया इसके लिए जो क्रंची रहेगा। अभी प्लेटिंग कर लेती हूँ। टेस्टी सम्मा चावल का उपमा बन के रेडी हो गया। ये व्रत में खा सकते हैं, व्रत के लिए स्पेशली बनाया। ऐसे इजी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।